चिड़िया और कालू कौवे ने अपने अपने आंगन में दो पौधे लगाए थे। वो दोनों ही अपने पौधों की दिन रात देखभाल कर रहे थे। चिड़िया, आपका पौधा कितना बड़ा हो गया? हाँ कालू भैया, मेरा पौधा तो अच्छे से बढ़ रहा है। आप अपने पौधे के बारे में बताइए। चिड़िया, मेरा पौधा तो बढ़ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया उसे। आप अपने पौधे को सुबह शाम पानी दें, फिर आपका पौधा भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे अपने पौधे को पानी देना है। ऐसे बातें कर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। कालू जी, देख आए चिड़िया का पौधा, वो कितना बड़ा हो रहा है। गौरी जी, हमारे पौधे से तो काफी बड़ा है, पता नहीं हम क्या गलती कर रहे हैं जो हमारा पौधा बढ़ ही नहीं रहा। कालू जी, मैं तो कहती हूँ चिड़िया के पौधे को अपने छोटे पौधे से बदल देते हैं, फिर छोटा पौधा चिड़िया के घर और बड़ा पौधा हमारे घर। ठीक है गौरी जी, जब चिड़िया भोजन लेने जाएगी तब चिपके से उसका पौधा बदल देंगे। ऐसे बातें कर वे दोनों चिड़िया के जाने का इंतजार करते हैं और चिड़िया के घर से जाते ही उसके आंगन में पहुंच जाते हैं। कालू जी, जल्दी से चिड़िया का पौधा निकालो और अपना पौधा लगा दो। हाँ हाँ गोरी, लगा तो रहा हूँ, थोड़ा शांति पकड़ो। फिर वह दोनों ऐसा ही करते हैं, चिड़िया का पौधा ले जाते हैं और उसे अपने आंगन में लगा लेते हैं। गोरे, अब हमारा पौधा चिड़िया के पौधे से बड़ा होगा और चिड़िया का पौधा होगा छोटा। वो चिड़िया जब शाम को भोजन लेकर अपने घर आती है तो अपने छोटे पौधे को देखकर सोच में पड़ जाती है। अरे, मेरा पौधा छोटा कैसे हो गया, सुबह तो काफी बड़ा था। चिड़िया को ऐसे दुखी देख कबूतर उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है। चिड़िया, क्या हुआ है? चिड़िया, आप बहुत परेशान लग रही हो। कबूतर भैया, पता नहीं मेरा पौधा छोटा कैसे हो गया, सुबह तो कितना बड़ा था। चिड़िया बहन, मैं कालू कौवे के घर से आया हूँ और उसका पौधा तो काफी बड़ा हो गया है, पता नहीं आपका पौधा कैसे छोटा हो गया। क्या कहा कबूतर भैया, कालू का पौधा बड़ा हो गया, परंतु सुबह तो वो अपने पौधे को ना बढ़ने की शिकायत कर रहा था, फिर अचानक से पौधा बड़ा कैसे हो गया। मुझे तो लगता है वो तुम्हारा पौधा ही चुरा कर ले गया और अपना पौधा यहाँ लगा गया। वो दोनों बहुत शातिर दिमाग हैं। हाँ कबूतर भैया, मुझे भी ये पौधा अपना नहीं लगता। अब मैं उनके घर जाती हूँ और अपने पौधे की पहचान करती हूँ। चिड़िया, आप अकेले ना जाएं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। फिर वे दोनों कालू और गोरी के घर चले जाते हैं। वो दोनों तो अपने पौधे की देखभाल में लगे हुए थे। चिड़िया कबूतर, आप दोनों एक साथ मेरे घर क्या कोई खास बात बताने आए हो? गौरी बहन, मुझे लगता है आपने मेरा पौधा चोरी किया है और अपना छोटा पौधा मेरे आंगन में लगा दिया। ये क्या कहती हो चिड़िया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, भला हम ऐसा क्यों करेंगे? क्या चिड़िया, आपको हम चोर दिखाई देते हैं जो हमसे पूछताछ कर रही हो? कालू भैया, मैं अपने पौधे को पहचानती हूँ, ये मेरा ही पौधा है। आप दोनों झूठ बोल रहे हो। दिखाओ दिखाओ, आपके पौधे पर कहाँ नाम लिखा है कि ये टूनी का पौधा है? अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ। गोरी, आपको ये पौधा वापस करना होगा, ये चिड़िया का ही पौधा है, क्योंकि चिड़िया कभी झूठ नहीं बोलती। कबूतर, तू बीच में ना बोल, ये चिड़िया और हमारा मामला है। कबूतर, तूने हमें चिड़िया का पौधा लेते समय देखा था जो बोल रहा है, तेरे पास कोई सबूत है तो बोल, खामखा बीच में अपनी टांग मत अड़ा। चिड़िया बहन, अब आप यहाँ से चलो, इन दोनों से कोई जी
जीत नहीं सकता। अब आप उसी पौधे की देखभाल करो। ऐसे बातें कर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। कालू और गोरी तो बहुत खुश हो रहे थे। गोरी, मैंने कैसे उस कबूतर की बोलते बंद कर दी। हाँ कालू जी, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। कोई सबूत है तो बोल। ये सुनकर तो कबूतर उल्टे पाँव ही चला गया। हाँ हाँ गोरी, परंतु अब हमें इस पौधे की अच्छे से देखभाल करनी होगी, वरना ये भी उस पौधे की तरह छोटा रह जाएगा। फिर वे दोनों पौधे की खूब देखभाल करते हैं। सुबह शाम पानी देते हैं और कुछ समय बाद पौधा बड़ा हो जाता है और चिड़िया का पौधा छोटा रह जाता है। कालू जी, हमारा पेड़ कितना बड़ा हो गया और उस चिड़िया का पेड़ तो छोटा रह गया। हाँ हाँ, अगर पौधे को ना बदलते तो वो छोटा पौधा आज हमारा होता और बड़ा पौधा चिड़िया का। कबूतर भैया, मेरा पौधा तो बड़ा ही नहीं हुआ, जबकि मैंने इसकी खूब देखभाल की। जबकि कालू और गोरी का पेड़ तो काफी बड़ा हो गया है। चिड़िया, अब क्या करें? था तो वो पेड़ आपका, परंतु वो चालाकी से उसे चुरा ले गए। कबूतर भैया, क्या इस छोटे पेड़ पर संतरे लग भी जाएंगे? टूनी ऐसे पूछ ही रही थी कि तभी कालू और गोरी वहाँ आ जाते हैं और गोरी कव्वी बीच में बोल पड़ती है। इस साल तो भूल ही जाओ कि आपके छोटे पेड़ पर भी फल लगेंगे, और हमारा पेड़ देखो वो कितना बड़ा हो गया, फल तो उस पे लगेंगे। गोरी बहन, ऐसे ना कहें, छोटे पौधों पर भी मैंने फल लगे देखे हैं। सपनों में? गोरी, सपनों में चिड़िया आजकल फल देखती है। पता नहीं बेचारी चिड़िया को फल मिलेंगे भी या नहीं। कालू, आप दोनों चुप कर जाओ, देखना इस पेड़ पर भी जरूर फल लगेंगे। हाँ कबूतर, फल तो जरूर लगेंगे, लेकिन छोटे छोटे, क्योंकि जंगल का सबसे छोटा पेड़ है ये। पता नहीं तेरा मोटा पेट छोटे फलों से कैसे भरेगा। ऐसे बातें कर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया बेचारी बहुत दुखी हो जाती है। कबूतर भैया, मैंने बहुत बड़ी गलती की जब कालू के साथ संतरे का पौधा लाई। अगर किसी और फल का पौधा लाती तो ये दोनों कभी मेरा पौधा नहीं चुराते। चिड़िया बहन, अब पछताने से कुछ नहीं होगा, बाकी कालू और गोरी से सावधान रहने में ही भलाई है, क्योंकि ये दोनों एक नंबर के चोर हैं। हाँ कबूतर भैया, अब तो बस इस पेड़ पर फल लगने का इंतजार है, कहीं इस गोरी कव्वे की बात सच ना हो जाए। इस पेड़ पर छोटे छोटे फल लग कर चिड़िया से ऐसे बातें कर कबूतर अपने घर चला जाता है और कुछ समय बाद दोनों पेड़ों पर संतरे लग जाते हैं। ये देखो कालू जी, कितने बड़े बड़े संतरे लगे हैं, मुझे तो विश्वास नहीं होता। हाँ गोरी जी, संतरों को भी तो देखो, कितनी भारी मात्रा में लगे हुए हैं। ये संतरे बेचकर तो हम माला माल हो जाएंगे। अब जल्दी से चिड़िया के घर चलते हैं और देखते हैं उसके छोटे पेड़ पर क्या लगा है। गोरी जी, पहले कुछ संतरे खा लेते हैं, तब चलेंगे चिड़िया के घर। संतरे कहाँ भागे जा रहे हैं, आकर खा लेना। पहले चिड़िया के घर चलो, मुझे उसका सड़ा मुँह देखने में बहुत मजा आता है। फिर वह दोनों तेजी से उड़ते हुए चिड़िया के घर चले जाते हैं, जहाँ कबूतर और तोता पहले से ही मौजूद थे। क्या चिड़िया, तेरे पेड़ पर तो संतरे लग गए, हमने तो सोचा था कि कुछ नहीं लगेगा। गोरी बहन, आपके कहने से क्या होता है, देखो मेरे पेड़ पर भी संतरे लगे हैं और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं। तो क्या हुआ, है भी तो थोड़े से, हमारे पेड़ पर चलकर देखो, संतरों की भरमार है। एक डाली जितने संतरे तुम्हारे पूरे पेड़ पर नहीं है। सच कालू, तेरे पेड़ पर इतने ज्यादा संतरे लगे हैं?
तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? विश्वास नहीं है तो चलकर देख लो। फिर वो सभी पक्षी गौरी के साथ चले जाते हैं और पेड़ पर इतने सारे संतरे लगे देख चौंक जाते हैं। हाँ हाँ दोस्तों, संतरे तो बहुत ज्यादा हैं, पर गौरी क्या आप हमें कुछ संतरे खाने दोगी? हाँ मिट्ठू तोते, बस आज के लिए दूंगी संतरा, फिर कभी नहीं। अब एक एक संतरा तोड़ लो। फिर सभी पक्षी एक एक संतरा तोड़ लेते हैं, परंतु जैसे ही वो संतरा खाते हैं तो वो बहुत खट्टे थे। इसी तरह से वो काफी सारे संतरे खाकर देखते हैं, लेकिन सभी संतरे खट्टे होते हैं। थू थू, आपके संतरों ने तो पूरा मुंह खराब कर दिया, ये खट्टे संतरे कोई नहीं खा सकता। कालू गोरी, आज तो तुम्हारे साथ ही धोखा हो गया। जो पेड़ तुमने बदला था, असल में उसी पेड़ पर मीठे संतरे लगे और इस पेड़ पर खट्टे संतरे लगे। अब अपने साथी दिमाग पर बैठकर पछताओ, हम चले मीठे संतरे खाने। फिर वो सभी पक्षी कालू गोरी का मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं और गोरी कव्वे तो अपने किए पर बहुत पछताती है। कालू जी, ये पेड़ तो खट्टे संतरे का पेड़ निकला, हमने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली, पौधा बदल कर।